नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मुहावरे का अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है और मुहावरे का अर्थ, मुहावरे का वाक्य प्रयोग किस तरह से होता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज हम देखेंगे कि लोकोक्ति क्या होते हैं और लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है और लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग अर्थात हम उसे वाक्य में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला, अंत भले का भला। अच्छे कर्म करने वाले का अंत में कल्याण होता है। मनीष भला व्यक्ति है, इसलिए अदालत ने उसे दोष मुक्त कर दिया है। सच्चे कहा गया है, अंत भले का भला। दूसरा, अध जल गगरी छलकद जाए। कम गुणों वाला आदमी बहुत घमंड करता है। ओछा व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपनी प्रशंसा करता रहता है, जबकि आता जाता कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए, अर्थात कम गुणों वाला व्यक्ति बहुत ही घमंड करता है। अंधों में काना राजा। मूर्खों में थोड़ा जानने वाला भी विद्वान माना जाता है। विवेक अल्प ज्ञानी होने के पश्चात भी सीधे साधे लोगों के बीच पंडित बना बैठा है। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। इसका अर्थ होता है दुष्ट आदमी सारे वातावरण को गंदा कर देता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग देखते हैं, उस दुष्ट को बुलाकर तुमने सारी सभा में गड़बड़ फैला दी, जबकि तुम जानते थे कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। पांचवा, अपनी करनी पार उतरने। जैसा काम वैसा फल। राकेश आज बहुत दुखी है, जबकि कल तक वह दूसरों को दुख देता था। इसे कहते हैं अपनी करनी पार उतरने। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। आतंकवादियों ने उसे हत्या की धमकी दी और वह बाजार में निहत्ता घूम रहा है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, आगे कुआ पीछे खाए, सभी ओर से विपत्ति आना। विनीत विवाह के पश्चात बुरा फंसा। पत्नी को माने तो माँ ताना देती है और माँ को माने तो पत्नी ताना देती है। बेचारे के आगे कुआं और पीछे खाई नजर आती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में दोनों पक्ष कारण होता है। इस झगड़े में विनीत का ही दोष नहीं होगा। तुमने भी तो कुछ कहा होगा, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। घर का भेद ही लंका ढाए। घर का भेद जानने वाला विनाश कर देता है। आयुष को उसके घनिष्ठ मित्र ने सबसे अधिक हानि पहुँचाई, क्योंकि वह आयुष के गुण दोष जानता था। ठीक ही कहा गया है, घर का भेद ही लंका ढाए। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। डाकिया बाबू, यह पत्र आप ही पढ़कर सुना दो, मुझे तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। कंगाली में आटा गीला। गरीबी में विपत्ति आना। अजीत पर पहले ही बड़े परिवार का बोझ है, अब इसकी नौकरी भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य प्रयोग किस तरह करते हैं। आइए हम और भी देखते हैं। जो गरजते हैं भी बरसते नहीं हैं। डिंग मारने वाले कुछ कर नहीं पाते। तुम उसकी धमकियों से क्यों डरते हो, क्योंकि हमेशा जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। एक पंथ दो काज, एक काम से अनेक लाभ। रमन की बारात में आगरा जाने पर निमंत्रण भी पूरा हो गया और ताजमहल को देखने की इच्छा भी पूरी हो गई। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी लाभ कम होना। सुजीत ने सारा दिन बड़ी मेहनत से काम किया, परंतु मजदूरी मिली सिर्फ 2 रुपये। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो यहाँ पे हमने देखा 14 लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति का अर्थ और इसका वाक्य प्रयोग। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब, और यदि इस संबंधी आपके मन में कोई भी डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा।